हिमाचल अक्सर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो सीधा मनाली, जो कि ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, वहीं भागते हैं। बट मनाली से जस्ट 1.5 आवर्स पहले आती है द ब्यूटिफुल कुल्लू वैली। एंड सिंस मैंने अपने चाइल्डहुड का काफी टाइम कुल्लू वैली में बिताया है, तो मैं आपको ये सीक्रेट बता सकती हूँ, इट इज ट्रूली एन अंडररेटेड जेम। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कुल्लू का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड इजीएस्ट हाइक्स, दैट इज बिजली महादेव। कुल्लू से बिजली महादेव के बेस तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। फर्स्ट, यू कैन टेक अ प्राइवेट कैब फ्रॉम भुंतर एयरपोर्ट और कुल्लू, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 2,000 to 2,500 rupees। ऑप्शन टू इज यू कैन टेक अ लोकल बस फ्रॉम कुल्लू बस स्टैंड, जो कि बिजली महादेव के बेस के पास के विलेज, दैट इज चंसारी विलेज तक आपको उतारेगी, एंड वहां से आप वॉक करके यहां के बेस तक पहुंच सकते हो। सिंस आई वाज गोइंग टू बिजली महादेव विद माय फैमिली, तो आई प्रेफर टेकिंग अ कैब व्हिच वाज क्वाइट कन्वीनियंट। इन फैक्ट आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो कैब या बस से ही आना एंड सेल्फ ड्राइव करके ना आना, बिकॉज यहाँ के रास्ते बहुत डिफिकल्ट हैं एंड कोई लोकल ही इनको ईजिली नेविगेट कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लाइक दिस ट्रक वेंट डाउन द हिल विच इज़ क्वाइट स्केरी, सो आई विल रिकमेंड कमिंग विद अ लोकल ड्राइवर हेयर। जैसे जैसे इस हिल पर हमारी कैब ऊपर चढ़ती रही, वैसे ही व्यूज और सुंदर होते रहे, टिल वी स्टार्टेड सीइंग दीज ब्यूटिफुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो एक पॉइंट पर ये पेड पार्किंग का साइन बना हुआ था, जहां पर हमारे कैब वाले ने हमें रोक दिया, एंड दिस मेंट इट वॉज द पॉइंट वेयर वी स्टार्ट आर हाइक। तो अभी हम ट्रैक करके जा रहे हैं बिजली महादेव। माय मम्मी इज़ विद मी एंड हमारी जो कैब है उन्होंने नीचे एक पॉइंट पे हमें रोक दिया था, एंड वहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, बट यहाँ पर प्रॉपर स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो इट्स नॉट दैट हार्ड, एंड इवन तो मेरा थोड़ा सांस फूल रहा है। एंड अभी हम काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं, आप जैसे देख सकते हो आसपास के सारे पहाड़ आर एट द सेम लेवल एज अस, एंड ये अभी एक्चुअली काफ़ी खाली पड़ा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, या ज़्यादा लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता है, तो इट्स वेरी पीसफुल राइट नाउ। अभी सुबह के 9 बजे है एंड आसपास सारी बर्ड्स चहचहा रही हैं। अभी मैं आपको ओरिजिनल ऑडियो सुनाने वाली हूँ, कोई भी पीछे से मैंने बर्ड्स का म्यूज़िक नहीं डाला है, बट जस्ट लिसन टू द म्यूज़िक ऑफ नेचर। तो जैसा कि आप देख सकते हो आगे जाके स्टेप्स थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये स्टोन के बने हुए हैं तो जगह जगह टूटे भी हुए हैं, तो प्लीज़ फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन द स्टेप्स हेयर, एस्पेशली बिकॉज साइड में खाई है। एंड अनदर गुड थिंग हेयर इज़ दैट यहाँ पर साइन बोर्ड्स पर भी लिखा हुआ है दैट यू शुड नॉट लिटर। यहाँ जगह जगह डस्टबिन्स भी बने हुए हैं, तो अगर आप वाटर बॉटल कैरी कर रहे हो प्लास्टिक की, या प्लास्टिक के कोई चिप्स स्नैक्स कैरी कर रहे हो, तो मेक श्योर उनके पैकेट्स यू थ्रो इट इन द डस्टबिन एंड डोंट लिटर दिस ब्यूटिफुल क्लीन एरिया। तो अब हमने एक
किलोमीटर की चढ़ाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर चेयर्स बनी हुई हैं तो इट्स रिलेटिवली ईजियर, बट मेरे पेरेंट्स की बट ऑब्वियस दे फीलिंग अ बिट टायर्ड नाउ बिकॉज चढ़ाई काफ़ी है, लाइक इट्स अ बिट स्टीप एज यू कैन सी। तो इफ़ यू कमिंग हेयर मेक श्योर यू आर वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज, मेक श्योर यू आर कैरिंग वाटर बॉटल्स, एंड इफ यू यूज्ड टू डूइंग कार्डियो अ लिटल हाइकिंग वर्कआउट आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आई विल रिकमेंड आप जगह जगह बीच में स्टॉप्स ले सकते हो। अनफॉर्चुनेटली रास्ते पे ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े कैफेज़ या कुछ हैं, बट टेक इट स्लो बिकॉज ऊपर जाके जो व्यू होने वाला है वो काफ़ी ब्रेथटेकिंग होने वाला है, एंड आई थिंक अराउंड 500 मीटर में आ जाना चाहिए, सो लेट्स सी। तो यहाँ ऊपर आके रास्ता एकदम प्लेन हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है कि हम बस पहुँचने वाले हैं। पहाड़ों पे बंदरों की टोली ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, सो माई एडवाइस टू यू इज कीप योर बिलोंगिंग सेफ विद यू, वरना ये बंदर आपका चश्मा या मोबाइल लेके तो जरूर भाग जाएंगे। ट्रेल के ऑलमोस्ट एंड पे जाके हमें ये प्यारी सी पहाड़ी आंटी मिली जो कि पूजा का सामान एंड थोड़े स्नैक्स बेच रही थी। मैंने इनसे पूजा का सामान लिया एंड आई फाउंड हर सो ब्यूटिफुल दैट आई थॉट आई शुड क्लिक सम पोर्ट्रेट्स ऑफ हर। उन्होंने फट से अपनी जेब से अपना चश्मा निकाला एंड शी इमीडिएटली पोज्ड फॉर दीज पिक्चर्स एंड फाइनली गुंजन कॉट अप ऑन मी। और अब हम एकदम पहुंचने ही वाले हैं मेरे पापा आगे, एंड आई ऑनेस्टली कांट वेट टू सी द व्यू। तो यहाँ पे नीचे काफ़ी टेंट से लगे हुए हैं जहाँ पे आप मैगी वगैरह खा सकते हो, चिप्स ले सकते हो, बट मंदिर के लिए अभी भी थोड़ी चढ़ाई है तो हम पहले सीधा ऊपर जाके फिर यहाँ पर रेस्ट करेंगे। तो ट्रैक के बेस से अराउंड 2.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था एंड इट टुक अस अराउंड 1 hour 15 minutes इंक्लूडिंग शूटिंग फोटोज एंड वीडियोज, एंड फाइनली वी रीच द गेट्स ऑफ द टेम्पल। एंड जो यहाँ पे नज़ारा था इसके आगे उसको तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती वर्ड्स में। There was a vast meadow of grass, mountains all around, and literally आपको इस drone video में दिख सकता है कि मंदिर is situated right at the tip of this mountain. एक चीज़ तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि बर्फ़ वाले पहाड़ देख के ना आंखों को अलग ही सुकून मिलता है। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? इफ नॉट देन इट्स डेफिनेटली टाइम टू प्लान अ ट्रिप टू हिमाचल। ट्रैक के एंड पे इतना रिलैक्सिंग माहौल हो गया था, आई मीन जस्ट लुक एट दीज डॉग्स कैसे धूप में पसर के सोए हुए हैं। इनको देख के सच में मन कर रहा था कि मैं भी इनके साथ घास पे लेट जाऊं और एक प्यारी सी नींद ले लूं। बट आई न्यू अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगी। तो यहाँ से मंदिर का प्रेमिसेस स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर एक वुडन पोल है जो कि एक सिंगल दियोदार ट्री का बना है। इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि ये एक ही ट्री की बाग का बना है एंड आई जस्ट कुडंट फैदम कि ये बेस से ऊपर तक चढ़ाया कैसे होगा। एंड हियर इज द डिवाइन बिजली महादेव टेम्पल सराउंडेड बाय द मैग्निफिसेंट माउंटेन्स। इस टेम्पल के नाम के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आखिर इसको बिजली महादेव क्यों कहा जाता है। वेल, ऐसा माना जाता है कि हर 12 इयर्स में सावन के महीने में लाइटनिंग स्ट्राइक्स द शिवलिंग हेयर विच ब्रेक्स इट इनटू मल्टीपल पीसेस। फिर यहाँ के प्रीस्ट्स आस पास के गांव वालों से मक्खन इकट्ठा करते हैं एंड उस मक्खन से इस शिवलिंग को वापस जोड़ते हैं। इसी वजह से शिवलिंग का कलर वाइट है एंड हेंस इट गॉट टू बी नोन एज बिजली महादेव।
any pahadi trek is incomplete without its cute pahadi dogs. Ye cute sa dog hamara peecha har jagah kar raha tha, isiliye this one gets a special feature in my video. हाँ भाई, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हूँ हाफ पहाड़ी एंड नाउ इट्स टाइम टू कम इन माय पहाड़ी फॉर्म. तो ये है कुल्लू की टोपी एंड ये है कुल्लू का बॉर्डर. और ये है ऊपर से पूरा कुल्लू वैली का व्यू दिख रहा है. पीछे दिख रहा है एयरपोर्ट. मैं अभी आपको जूम करके दिखाऊंगी. आसपास इतना पीसफुल है एंड पीछे के आप पहाड़ देखो. They're all snow-capped mountains. तो मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद मैं अब बैठी हूँ बिजली महादेव के टॉप पर एंड यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो. इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो पीसफुल. हमारे अलावा गिनती के 4-5 लोकल लोग आए हुए हैं यहाँ पर. नो टूरिस्ट्स एट ऑल. एंड यहाँ पर हवा इतनी ज़्यादा साफ है. इंडिया में इतनी ज़्यादा सुंदर जगहें हैं जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है. एंड आई जस्ट फील ब्लेस्ड दैट आई गॉट टू विटनेस दिस. और अब है उतरने की बारी. ऑल द वे बैक. एंड भाई, नो पहाड़ी ट्रैक इज कंप्लीट विदाउट ईटिंग द पहाड़ों वाली मैगी. नीचे उतरते हुए हमें ये छोटा सा स्टॉल मिला जो कि सुबह के टाइम बंद था, बट हम यहाँ पर बैठे, हमने मैगी खाई, चाय पी एंड थोड़ा रिलैक्स किया बिफोर वी स्टार्टेड आवर डिसेंट डाउन हिल. एंड मानना पड़ेगा यार, पहाड़ों पर मैगी कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगती है. डू यू अग्री? तो सिंस इस ट्रेल पे प्रॉपर स्टेप्स बने हैं तो उतरना इज रिलेटिवली ईजियर देन क्लाइंबिंग, बट इट्स ऑल्सो बिट रिस्की बिकॉज यू कैन लूज योर बैलेंस. सो बी केयरफुल वाइल डिसेंडिंग डाउन द हिल. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मम्मा एंड पापा जिन्होंने ये ट्रैक कम्प्लीट किया सक्सेसफुली. 2 kilometers अप 2 kilometers डाउन, काफी चढ़ाई थी. Proud of you, my pahadi mamma. And I hope आपने भी ये virtual tour of Bijli Mahadev मेरे साथ enjoy करा. अगर आपको ये helpful लगा या अच्छा लगा, please do hit that thumbs up button and don't forget to subscribe to my channel. मैं आऊँगी वापस with more such hidden gems of Himachal. Till then, stay tuned and thanks for watching.